नोटबंदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे, सिर्फ सूरत पे नहीं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, कारीगरों पर, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज पे आक्रमण, और इससे देश को नुकसान हुआ और जो हमारा मेन चैलेंजर है उसको फायदा हुआ। धन्यवाद। क्या आपकी पार्टी की तरफ से, जो आपके 5 वित्त मंत्री हैं, क्या सुझाव पेश करेंगे कुछ आप? जीएसटी के बारे में मैं बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूँ। जीएसटी का मतलब पूरी दुनिया में वन नेशन वन टैक्स, जो मोदी जी ने कहा है। इनकी जीएसटी, ये जो 5 अलग अलग टैक्सेस हैं, ये जबरदस्त नुकसान करे। इन्होंने भी मुझे बताया यहाँ पे कि जीएसटी ने और नोटबंदी ने इनको खत्म कर दिया है, टांग तोड़ दी है, उनके शब्द हैं टांग तोड़ दी। 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। 18% का कैप कहा था हमने, वो नहीं रखा, उससे नुकसान हो रहा है। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। बहुत समय से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी को, अरुण जेटली जी को क्लियरली बताया, इनफॉर्मली फॉर्मली आगे से पीछे से क्लियरली बताया, आप इस जीएसटी को इस प्रकार से लागू मत कीजिए, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की कॉम्पिटिटिवनेस की बात है, हमें चाइना से कॉम्पिटिटिव होना है, आप हमारे उद्योगों को, हमारे इंडस्ट्रीज को मत मारिए, प्लीज कृपया करके एक जीएसटी 18% वहां पे इसको रोकिए, और उसके बाद ये जो 3-4 आप फॉर्म भरवा रहे हैं, ये आप कृपया करके मत करवाइए, छोटे लोग मर जाएंगे। उन्होंने हमें कहा नहीं, ये 12 बजे होगी, जो भी हम रेजिस्टेंस कर सकते थे। और आपने देखा, आप प्रेस वाले हमसे पूछते थे कि आप जीएसटी को इतनी आगे क्यों नहीं बढ़ने रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। ये कारण था कि हम सूरत की रक्षा करना चाहते थे, हम इसकी रक्षा करना चाहते थे। थैंक यू।